अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ोनी किचन एंड व्लॉग्स। जी गाइस, आज है जी ईद का 4th डे और हम जा रहे हैं कुछ आउटिंग के लिए, जिसके लिए मैंने अपना ये ड्रेस निकाला, सिंपल ड्रेस निकाला है। ये दुपट्टा है जी, इसके ये टसल्स लगे हुए हैं और ये ऑफ वाइट कलर की शर्ट है ये, और ये इसके बाजू कुछ इस तरह के हैं, कुछ बटन लगे हुए हैं और इसके बैक पे भी काम है और फ्रंट पे भी काम है, इस तरह से कढ़ाई वाला। और ये इसका एक रिबन सा आ रहा है पीछे से और फ्रंट पे इस तरह ये ओपन रखने वाला है। ये इसके बैक पे भी इस तरह ही डिज़ाइन बना हुआ है, कढ़ाई हुई हुई है। तो बहुत लाइट सा कलर था, मैंने सोचा चले आज ये पहन लेते। बहुत फैंसी, जब बाहर जाते हैं तो इतने फैंसी ड्रेसेस अच्छे नहीं लगते हैं। और ये इसके साथ रेंडम ट्राउज़र मेरे पास था, तो ये इसके साथ मैच हो रहा था, मैंने सोचा इसी से काम चलाते हैं। और अच्छा, ये शर्ट का दामन है ये वाला, ये गोल है, फ्रंट से भी गोल है और बैक से भी गोल है। तो ये मैंने अपना ड्रेस निकाला है, सिंपल रखा है, क्योंकि अब थोड़ी सी ना गर्मी भी होती जा रही है, तो ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस या हैवी ड्रेसेस नहीं पहने जाते बाहर वैसे भी नॉर्मली। और बच्चों के मैंने कपड़े वगैरह निकाल दिए थे, वो भी साथ साथ रेडी हो रहे हैं। और ईद बेशक अभी तकरीबन एंड हो चुकी है, लेकिन ये कि घर के काम जो है ना रूटीन पे आ चुके हैं, लॉन्ड्री वगैरह, खाना पीना सब कुछ। तो यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े जो है मैंने मशीन में लगा दिए थे, ऑटो मशीन है तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बस डाल दिए थे। जब तक मैं बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रही थी जाने के लिए, तो ये कपड़े भी तकरीबन धुल चुके थे और अभी फैला दूँगी। जब वापस आऊँगी तो कपड़े तकरीबन सूख चुके होंगे। और इनके ड्रेसेस वो वाले जो इन्होंने ईद के 1st डे पहने थे, तो मैले भी बहुत थे, तो मैंने इनको जो है ना थोड़ा गर्म पानी डाल दिया था बीच में ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और हैवी जो इसका ऑप्शन है उस पर भी लगा दिया था, ताकि जो इनके कॉलर वगैरह, बच्चे हैं छोटे हैं और कलर भी ऑफ वाइट है तो गंदे कर देते हैं। तो बस मैंने सोचा साथ साथ जो है घर के काम वगैरह ख़त्म कर लिए जाए। और बच्चों के जो है कल से स्कूल भी स्टार्ट हो रहे हैं, 4th डे इनका लास्ट डे था और मैंने कहा बिल्कुल ऑफ़ कराने का कोई प्लान नहीं कि इनका मैं नेक्स्ट डे ऑफ़ करा दूँगी या 1st डे ईद के बाद जो ऑफ़ करा दूँगी, नहीं, क्योंकि इनके स्कूल में ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और जब बच्चे स्कूल से ऑफ़ करते हैं तो यकीन करें मेरे लिए बड़ा मसला बन जाता है, फिर मुझे व्हाट्सएप पर टीचर्स को मैसेज करके काम मंगवाना पड़ता है। तो बेहतर है कि बच्चों को स्कूल भेज दो, घर पर भी शांति होगी और जो है ना स्कूल से आएंगे तो इनकी एक रूटीन सेट हो जाती है। तो बस बच्चे भी यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। अच्छा, अपने रूम में जाके नहीं रेडी होते, मेरे रूम में आके रेडी होते हैं। इनको हर चीज़ जो है ना मेरे रूम में अवेलेबल होती है, अपने रूम में भी इनको होती है अवेलेबल, लेकिन इनको मज़ा जो है ना मेरे रूम में ही आता है। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने जो इनके 2nd ड्रेसेस पहने थे ईद के, वही मैंने निकाले कि यही पहने, क्योंकि बाहर जाते हैं आउटिंग पे, स्विंग्स वगैरह पे, पार्क वगैरह पे, तो फिर कपड़े गंदे कर देते, फिर इनको मैंने वही वाले ड्रेसेस निकाल के दिए। और मैं खुद रेडी हो चुकी हूँ और जो है ना अब जा रहे हैं हम लोग। और टाइम देख लें क्या हो गया है, तकरीबन 4:40। और थोड़ा ख़ुद हम लोग शाम के टाइम निकले, क्योंकि जो है ना दिन में बहुत सख्त धूप थी, लेकिन ये कि इन दिनों ना शाम के टाइम बारिश हो जाती है, तो यकीन करें मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। सबसे पहले हम तहज़ीब बेकर्स आ गए और यहाँ से हमने लिया है एक अदद केक, और केक हमने लिया है जी मेरे हस्बैंड के चाचू, उनकी तरफ जाना है और उनकी तरफ हम थोड़ा ठहर के रात को जाएंगे, खाना वगैरह बाहर खा के एंजॉय करके एंड में जाएंगे। और कमर्शियल मार्केट हम लोग आ गए थे और यकीन करें काफ़ी दुकानें जो है ना खुल चुकी थी। यहाँ पे आपको सारे का जो है ना कुछ मूड ऑफ नज़र आएगा, क्योंकि मुझे कह रहा है कि मुझे जूते दिलाएं, जबकि इवन कि मैंने इसको ईद पे जूते दिला चुके, लेकिन आजकल पता नहीं इसको जूतों का क्रेज़ चढ़ा हुआ है कि मेरे बहुत ज़्यादा जूते हों और जूते भी वो हों जो बिल्कुल इसकी पसंद के हो, बेशक माँ बाप की पसंद के ना हो। तो बस बच्चों का आजकल यही हिसाब किताब चल रहा है, तो बस इसका मूड ऑफ है, तो मैंने सोचा कि यार आपको दिला दूँगी, लेकिन यह है कि शॉप्स पूरी खुले तो नया स्टॉक आने तो मैं दिला दूँगी। तो यहाँ पर इसका मूड ऑफ था, फिर मैंने इसको कुछ समझाया तो बहरहाल वो मान गया। बहरिया एनक्लेव में ज़ू है, वहाँ की नेविगेशन मैंने लगा दी, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि वो अच्छी है, जगह साफ सुथरी है, तो वहां का विजिट करने लगे हैं। लेट्स सी। हम लोग काफ़ी टाइम बाद निकले हैं जी आउटिंग पे, और बच्चे कह रहे थे कि हमने सेंटोरस मॉल जाना है, जो कि बेसिकली शॉपिंग मॉल है, और जहाँ पे जो है ना जो प्ले एरिया है वो बहुत ही छोटे बच्चों का है, जो कि 4 साल 5 साल इस तरह के बच्चों का। और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो चुके, तो मैंने सोचा कुछ आउटिंग करते हैं, कुछ ज़ू पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, एनिमल्स होते हैं इस तरह। तो इनको मैंने कहा आपको मैं यहाँ पर विज़िट कराती हूँ। वैसे भी यहाँ पे काफ़ी एनिमल्स थे और बहुत ज़्यादा क्राउड भी था, और बड़ी बात थी कि बहुत ओपन एरिया था और साफ़ सुथरा एरिया था, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में कुछ ऐसे पार्क हैं जो बहुत ज़्यादा ओवरलोड होते हैं, तो वहाँ पे जो ना फैमिलीज़ का जाना कुछ मुनासिब नहीं लगता, स्पेशली ईद डेज़ में। तो यहाँ पे क्राउड था भी और बहुत नहीं भी था, मतलब कि नॉर्मल था, मतलब कि आप इंजॉय कर सकते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट था। तो यहाँ पे जो है ना हम बच्चों को दिखा रहे हैं एनिमल्स, बखैर अब तो बड़े हो गए, अब तो खुद वो रिकगनाइज़ कर लेते कौन सा एनिमल, लिखा हुआ भी वहाँ पर उन्होंने बोर्ड्स पर लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पर जो है बच्चे एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे थे, वो देखो आरिफ बैठे हैं, वो सारिक बैठे हैं, तो एक दूसरे को तंग भी कर रहे थे। और ये बड़ा खूबसूरत मंजर था मोर का, जब इसने अपने सारे पंख फैलाए हुए थे और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रोटेट होते होते अपने सारे पंख इसने इस तरह बंद कर दिए थे। बहुत खूबसूरत ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जो है ना खुदा की कुदरत दिखती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है बेशक। और यहाँ पे बच्चे जो है ना साथ साथ पिक्चर्स बना रहे हैं और मैं अपने जो है ना वो सिनेमैटिक सीन होते हैं वो लेने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग भी तो साथ साथ करनी है, भी तो काम साथ साथ चलता आया है। और यहाँ पे बच्चे जो है ना स्विंग्स वगैरह ले रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी, ये फिज़िकल एक्टिविटी हैं जो बच्चों की लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, जब बच्चे छोटे थे तो हम लोग हर वीकेंड पे जाते होते थे, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो अब इतना ज़्यादा हम लोगों का पार्क वगैरह में जाना मतलब काफ़ी कम हो गया है। तो ये देखिए, ये चिंपैंजी है, और चिंपैंजी जो है हम कहते हैं ना, इंसान पहले चिंपैंजी होते थे, बंदर होते थे, तो वाकई इसके जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल इंसानों की तरह। और बड़ा अच्छा ये ओपन एरिया, और अच्छा ये पानी, और इस तरह आवाज़, और मतलब पीसफुल यहाँ पे था, बड़ा अच्छा फील हुआ यहाँ पे आके, फ्रेश। और यहाँ पे ना आरिफ साहब बड़ा गौर कर रहे हैं इस पानी पे और इस तरह के इन्वायरमेंट पे, बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा था। तो अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप ज़रूर इस तरह बहरिया एनक्लेव में, ये ज़ू है तो ज़रूर आएँ, विज़िट करें। और अगर अभी तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अच्छा, इस केज में इतने ज़्यादा मोर थे कि मैं इसको काउंट नहीं कर पा रही थी, आई थिंक 150-200 करीब के होंगे, मतलब इतने ज़्यादा मोर थे और डिफरेंट तरह के थे, वाइट कलर में, ब्लैक में, मल्टी कलर्स में। तो मेरी कोशिश थी कि मैं अपने कैमरे में, व्लॉग में सब मोर को मैं एक ही पिक्चर में ले सकूं, लेकिन इतने ज़्यादा थे और इनके दरमियान में ना 2-3 रॉड बने हुए थे और रॉड के ऊपर भी मोर बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा इनकी जो है ना तादाद थी। तो बड़ा अच्छा ये इन्होंने सिस्टम रखा हुआ। और इवन कि हम लोग जब रोड से बाहर भी निकले हैं, मतलब पार्क जब हमने लीव किया, छोड़ा शाम के टाइम जब बाहर निकले, तो रोड पे भी इनके मोर थे और डिफरेंट ना, मतलब इनके केज से बाहर भी डिफरेंट प्लेसेस पे इनके मोर यहाँ पे थे। पूरे पार्क का विज़िट करते करते भी हम लोग को 1 से 1.5 घंटा लग चुका था और शाम होने वाली थी। हम लोग तकरीबन 4:30-4:45 में निकले थे और मेरे ख्याल में अब टाइम जो है 6:45 का हो रहा था, कुछ इस तरह। और बच्चों का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि हम घर को जाएं, क्योंकि उनके फेवरेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे थे, लायन, चीता, पूमा, इस तरह किस्म के। तो बच्चे बड़ा इन्जॉय कर रहे थे, उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि ये अक्सर ऐसी चीज़ें जो ना वीडियोस में देखते हैं तो इनको जब रियलिटी में ऐसे देखने के लिए मिलती है तो बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि मामा ये क्यों है, कैसे है। तो इस तरह ना बच्चों को ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, मैं कहती हूँ स्विंग्स के अलावा भी ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे बच्चे कुछ सीख सकें। और ये लॉयन तो बच्चों का मेरा फेवरेट है और इनके घराने की आवाज़ें जब मुझे आई तो मैं समझी शायद हैवी बाइक चल रहे हैं शायद बाय रोड पर, तो हस्बैंड ने कहा कि वो हैवी बाइक की आवाज़ नहीं है, ये इनके घराने की आवाज़ है। और अगर एक गर्रा रहा है शेर ये लॉयन तो बाकी सारे घराना शुरू हो जाते हैं, मतलब इतना हॉरेबल आपको वो सुनने में लगता है। तो ये इनके खुद के पाले हुए जानवर होते हैं, तो ये बंदा बड़ा ईजीली ना इसको फीड करा रहा है। तो यहाँ जी बस बच्चों को मैं कही थी कि अब चलने की तैयारी करो, काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि हमने बस खाना वगैरह भी खाना था और भूख बहुत शदीद वाली लगी हुई थी क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था और फिर दिन में यहाँ पे आने की तैयारी वगैरह करते रहे और फिर निकलते करते भी काफ़ी टाइम हो गया। अब शाम हो गई है, कुछ एक्स्ट्रा वगैरह अपने बाहर से नहीं खाया क्योंकि भूख भी ना फिर ख़राब हो जाती, फिर खाना खाने का दिल नहीं करता। अच्छा, बच्चे बोल रहे थे कि हमने सेवर खाना है, कोई कह रहा था हमने KFC खाना है, जबकि मेरा मूड था कि हम कोई कढ़ाई शाही खाएं, ऐसे बट कढ़ाई हो गई है, कुछ ऐसे बीफ कढ़ाई या मटन कढ़ाई या चिकन कढ़ाई कुछ भी हो, लेकिन रोटी खाऊँ मैं साथ। तो बस हम लोग अब जा रहे हैं जी इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में हम रेस्टोरेंट में आए हैं, यहाँ पे तंदूरी रेस्टोरेंट है G8 में। तो यहाँ का खाना बड़ा अच्छा है, साफ़ सुथरा है, तो हमने यहाँ का सोचा यहाँ पे विज़िट करते हैं क्योंकि सेवर और KFC तो वैसे हम खाते ही रहते हैं। आरिफ की बड़ी मर्जी थी कि हम सेवर खाते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं जी सेवर आज के दिन कम से कम सेवर हम नहीं खाने वाले। तो यहाँ पर बस हमने खाना वगैरह ऑर्डर किया, हस्बैंड को मैंने कहा आप ऑर्डर करें क्योंकि मुझे ऑर्डर करने का कुछ मतलब नहीं समझ में आता, जो आपको बेहतर लगता है आप ऑर्डर करो। तो यहाँ पर हस्बैंड साहब ने जो ना कुछ ऑर्डर कर दिया है और बस हम यहाँ पर अब खाना वगैरह खाएँगे। अच्छा जैसे हम आए तकरीबन 8 बजे का टाइम था और आहिस्ता आहिस्ता क्राउड यहाँ पे होना शुरू हो गया था और इनकी तमाम टेबल्स जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता फिल होना शुरू हो गई थी। इनकी सर्विस भी बड़ी अच्छी थी, क्विक सर्विस थी और नीटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया था और मेन्यू भी इनका थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इस तरह इनका खाना, लेकिन ये कि वही बात है क्वालिटी फिर आपकी जो है अच्छी कर देते हैं खाने की। खाने में बीफ सीख कबाब थे, चिकन टिक्का मंगवाया था और चिकन कढ़ाई मंगवाई थी, साथ सैलेड और नान बास्केट थी पूरी। तो यकीन करें नान बास्केट हमने 2 मंगवाई थी, इतनी ज़्यादा हम सबको भूख लगी थी। मुझे बहुत मज़ा आया था रायते के साथ, जब मैंने ये चिकन कढ़ाई खाई तो मुझे बहुत मज़ा आया और स्पेशली जब वो पतीली रोटी होती है ना तो उसके साथ फिर बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे हम सब खाना वगैरह खा रहे हैं, बच्चों को मैं साथ साथ खिला रही हूँ। बच्चे वैसे टेम्प्रेरी से खुद खाते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब मैं ईजी होकर खाना खा चुकी हूँ तो फिर मैं बच्चों को सेपरेटली दोबारा खिलाती हूँ ताकि मेरी भी तसल्ली हो जाए और उनके भी पेट भर जाए। तो यहाँ पे बस हम सब खाना वगैरह खा रहे हैं। यहाँ से हम फ्री होके फिर चले गए थे इनके चाचू की तरफ, हस्बैंड के चाचू की तरफ। वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे थे, ज़्यादा देर नहीं बैठे थे क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों ने स्कूल जाना था और बहुत लेट हो गए थे हम ऑलरेडी और तकरीबन घर आते आते हम लोगों को 10:30-11 हो चुके थे। और बस फिर यहाँ तक मैंने व्लॉग शूट किया, वहाँ पे मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। यहाँ पे इनका कमेंट कार्ड है तंदूरी रेस्टोरेंट वालों का, तो ये फिल करना होता है। कुछ पे मैंने एक्सीलेंट कर दिया था, कुछ को मैंने गुड क्लिक कर दिया था, जो कि इनकी सर्विसेज और फूड क्वालिटी के बारे में इस तरह डिटेल पूछते हैं तो बस ऑप्शन चूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं अपने करती हूँ व्लॉग को एंड। आई होप कि आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।